तो दोस्तों, जब आपका पहला वाला ऑर्डर आएगा तो कुछ इस तरह का शो होता है। एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करके ऑर्डर को एक्सेप्ट करना रहता है। जैसे आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का शो तो होगा। दोस्तों, आज का मेरा पहला वाला ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट कर लिया हूँ। अब देखो, यहाँ से कस्टमर के लोकेशन शो कर रहा है, कुछ इधर है। तो यहाँ पे गो टू पिकअप लोकेशन पे इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। ओके, यहाँ से 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है लोकेशन। एक बार मैं चेक कर लूँ एग्जैक्टली कहाँ पे है। ओके, ठीक है। तो एक बार ना कस्टमर को कॉल करके पूछ लेना है कि भाई आपको कन्फर्म जाना है कि नहीं, क्योंकि कई बार फेक कस्टमर होते हैं, कॉल करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो एक बार जस्ट फ़ोन करके पूछ लेना कन्फर्मेशन के लिए, तो अच्छा होगा। वरना फिर आप उतना दूर जाएंगे तो बाद में पता चला कि उनको नहीं जाना था, फिर कैंसिल हो जाएगा। मैंने कस्टमर से बात कर लिया, उन्होंने बताया ठीक है आप वहाँ पे आ जाओ, लोकेशन भी बता दिया। मैं फिर भी आप लोगों के लिए लोकेशन देख के जा रहा हूँ। ये मेरा अपने लोकेलिटी में ही है, मुझे मालूम है कि कहाँ पर जाना है, बट मैं आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लोकेशन कैसे देख देख के जाना है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ओके, मैंने लगा के रखा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिकअप करने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके मैं दिखाता हूँ। ओके, तो कस्टमर के लोकेशन पे आ चुका हूँ। कस्टमर ने यहीं पे कहा था आने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अराइव बोल के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको राइट स्वाइप करना है कुछ इस तरह से। ओके, इसके बाद फिर वेट करना है 3 मिनट तक, अगर कस्टमर ना आए उसके बाद से फिर आपको वेटिंग चार्जेस कंपनी देती है। ओके, तो आपको वेट नहीं करना है खामो का, क्यों 3 मिनट वेट करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम कस्टमर से कन्फर्म कर लिए बात करके। तो मैं यहाँ पे कॉल पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट कस्टमर, मैसेज कर सकते हैं आई हैव अराइव्ड, अगर कॉल नहीं करना चाहते हैं तो। देखते हैं कस्टमर का कोई रिप्लाई आता है कि नहीं। नहीं दोस्तों, कस्टमर का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, यही है लगता है। आ गया, रैपिडो बुक करो चंद। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट राइट पे आपको इस तरह से स्वाइप करना है, उसके बाद कस्टमर से ओटीपी मांगना है। तो ओटीपी इंटर करने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का शो होगा। तो गो टू मैप वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस तरह से आप लोगों ने अभी मैप देख के कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे आए हो, उसी तरह फिर मैप देख के कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन में भी जाना होता है। এখানে दोस्तों ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, कंप्लीट राइट पे राइट स्वाइप करना है। ओके, उसके बाद ऑनलाइन करेंगे ना। तो एक्चुअली इनको मैं दूसरी बार लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब लेके गया तो उस टाइम कैमरा ऑफ था, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कस्टमर यहाँ पे ऑनलाइन पे करेंगे, तो पे हो चुका है। अमाउंट टू बी कलेक्टेड 8 रुपीज़। कितना दिखा रहा है? अरे यार, ये कैसे हो गया? फिर से कितना बोल रहे हैं? 8 रुपया कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप कितना पे किए थे? 39 दिखाया, वही पेमेंट। यहाँ पे 8 रुपया अभी कलेक्ट करने दिए बोल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर ने ऑनलाइन पे कर देता है अपने एप्लीकेशन के थ्रू, बट यहाँ पे कंपनी कहती है कि 8 रुपये और आपको कस्टमर से कलेक्ट करना होता है। क्योंकि मैं जब कस्टमर को पिकअप कर रहा था तो वहाँ पे कस्टमर ने काफ़ी देर मुझे वेट कराया था, जिस वजह से वेटिंग चार्ज यहाँ पे ऐड हो गया। तो जब भी आपको कस्टमर से कैश लेना होता है ना, तो यहाँ पे इस तरह का शो होगा कि कस्टमर से आपको कितना कैश लेना है। उसके बाद कैश लेने के बाद ही वहाँ पे कलेक्ट कैश पे क्लिक करके ऑर्डर को आपको कंप्लीट करना है। ओके, हाँ, काफ़ी देर वेट किया शायद उसके लिए। हाँ, इसीलिए। ठीक है, चलिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर ने ऑनलाइन पे किया था, बट वहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ देर वेटिंग चार्ज लग गया, तो अलग से फिर से कस्टमर पे किया। तो इस ट्रिप के लिए मुझे मिला 37, और उसके बाद पहला वाला जो ट्रिप था उसके लिए मुझे मिला था 30 रुपीज़। ओके, तो देख लिए दोस्तों, कुछ इस तरह का प्रोसेस है जब आप कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पे आएंगे उनको ड्रॉप करने के लिए। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब मुझे यहाँ पे कुछ देर वेट करूँगा, देखता हूँ राइड मिलता है कि नहीं, वरना फिर मैं मेन रोड की तरफ चल जाऊँगा। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, मैं किसी गली के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात है।
इसके बारे में आपको बताना है आगे के वीडियो में। ओके तो एक ऑर्डर आया था लेकिन देखते देखते निकल गया दोस्तों। तो यही होता है रैपिडो में, आपको एप्लीकेशन ऑन करना रखना ऑन करके रखना पड़ता है। जो सबसे पहले ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा ऑर्डर उसी के पास चल जाएगा। ओके तो आपको हमेशा अपना फ़ोन कुछ इस तरह से लगा के रखना पड़ेगा अपने बाइक पे, ताकि जैसे ऑर्डर आए आप एक्सेप्ट कर लो। ओके अदरवाइज़ देखो थोड़ा सा के लिए मिस हो गया, मतलब एक सेकेंड या दो सेकेंड ही आपको टाइम नहीं मिलेगा ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता। ओके तो मोबाइल हमेशा इस तरह से मोबाइल होल्डर पर रखना फ़ोन पर, और एप्लीकेशन ऑन करके रखना ताकि जब भी ऑर्डर आए आप तुरंत एक्सेप्ट कर सके। ओके तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी आप लोग ऑनलाइन करेंगे ना तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो देखो आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए पूरा एकदम फुल चार्ज। ओके उसके बाद अपना गूगल मैप में चेक कर लेना कि कोई अपडेट आया है कि नहीं, तो गूगल मैप अपडेट कर लेना, और लोकेशन हमेशा ऑन रखना, ऐसा नहीं कि लोकेशन ऑफ रखे। देन ये चेक करने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन भी, रुको राइड आया एक्सेप्ट कर लेता हूँ, छोटा सा राइड है एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस दिन आप लॉगिन करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद फिर आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपका फ़ोन में बिल्कुल चार्ज फुल होना चाहिए, लोकेशन मतलब अपडेट होना चाहिए। ओके और इस तरह का आपका बाइक में मोबाइल होल्डर होना चाहिए, जैसे मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे होल्डर पे माउंट किया हूँ, अगर नहीं है तो लगवा लेना ताकि आपको काम करने में आसानी हो, वरना काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। और आपके पास एक्स्ट्रा हेलमेट भी होना चाहिए, कस्टमर को क्या देंगे ना, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा हेलमेट होना चाहिए, नहीं है तो ख़रीद लो, उसके बाद फिर आईडी बनवाना। ओके तो इन कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप पहला दिन काम करेंगे। और पहला दिन जब काम करेंगे ना तो ऑनलाइन कैसे होंगे, सिंपली कुछ नहीं, आपको लॉगिन करना है, लॉगिन जब कर लेंगे तो उसके बाद कभी लॉग आउट नहीं करना है। फिर से एक राइड आया, देखता हूँ कहाँ का है, कैंसिल भी हो गया, तो यही हो रहा है कहीं पे खड़ा होकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो देखता हूँ मैं। तो ऑनलाइन जाने के लिए जस्ट ऊपर में जो ऑनलाइन का ऑप्शन है ना, गो ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी, उसमें जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हो जाता है। ओके तो आपको जस्ट एक क्लिक करेंगे आप ऑन ड्यूटी हो जाएंगे, उसके बाद अगर जब आपको काम नहीं करना तो ऑफ ड्यूटी भी हो सकते हैं। ओके तो ऑन ड्यूटी करने के बाद ही आपको वहाँ से बुकिंग मिलता है एप्लीकेशन से, अदरवाइज बुकिंग नहीं मिलता। ओके उसके बाद फिर आप यहाँ पे हाई डिमांड एरिया भी देख सकते हैं, वहाँ पे हाई डिमांड एरिया भी होता है कुछ, जहाँ पे जाने से आपको बुकिंग मिलेगा, बट वो कंपलसरी नहीं है, अगर बुकिंग हुआ तो आपके आसपास के एरिया से मिल जाएगा। अदरवाइज़ जैसे मैंने कहा कि आपको मेन रोड के आसपास कभी कभार आना पड़ता है, अगर आप किसी अंदर काफ़ी है, काफ़ी गली के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहा। आज के इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ कि रैपिडो में मैंने काम करके कितना अर्निंग किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो का जो मेन मकसद था कि रैपिडो में पहला दिन कैसे काम किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके समझाने का कोशिश किया आप लोगों को। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगर फिर भी मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। ओके और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला ऑप्शन भी क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अक्सर मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।